चौधरी परवेज इलाही ने वजारत आला का हलफ उठा लिया। एवान सदर में रात 2 बजे सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने परवेज इलाही से वजारत आला का हलफ लिया। तकरीफ में मोनस इलाही, चौधरी वजाहत हुसैन, मियाँ महमूद रशीद, मुराद रास, यासमीन राशिद समेत दीगर अफराद ने शिरकत की। सुप्रीम कोर्ट ने परवेज इलाही को वजीर आला पंजाब करार दे दिया। डेप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ दरख्वास्त मंजूर। मुख्तसर फैसले में डेप्टी स्पीकर की रूलिंग कलदम करार दे दी गई। परवेज इलाही के 186 और हमजा शहबाज के 179 वोट हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हमजा शहबाज की काबीना भी तहलील कर दी। हमजा शहबाज और तमाम वजरा को फौरी दफातर छोड़ने का हुक्म। हमजा ने जो भी कानूनी काम किए वो बरकरार रहेंगे। अब क्या हिकमती अमली तय की जाए। मौलाना फजलुर रहमान ने पीडीएम का इजलास तलब कर लिया। मुस्लिम लीग सेक्रेटेरिएट में होने वाले इजलास में पीडीएम में शामिल जमातों के सरबराह शिरकत करेंगे। पीडीएम में शामिल जमातें आइंदा की हिकमती अमली पर गौर करेंगी। वजीर आजम ने आज काबीना का इजलास तलब कर लिया। जराए के मुताबिक इजलास पार्लियामेंट हाउस में होगा। उधर कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 4 बजे होगा। नैब दूसरा तरमीमी बिल 2022 ऐवान में पेश किया जाएगा।